हेलो खवातीन और हज़रात, आज की प्यारी सुबह और आज की चाय के साथ होगा हमारा आज का ब्लॉग शुरू। तो सबसे पहले मैं उठ के नीचे गया तो मेरी भतीजी कार्टून देख रही थी, तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। तो फिर मैंने अलमारी से रेड शर्ट और ब्लैक पैंट निकाली, उसके बाद इस तरीके का प्लग लगाया स्विच में। स्विच पहले से ऑन था तो इस वजह से हमारी इस्त्री हो गई ऑन। इस्त्री को गर्म होने में थोड़ा टाइम था तो मैंने शर्ट को गीला कर लिया। शर्ट के बाद पैंट की बारी आ गई, तो इतने में मेरे कपड़े हो जाते हैं रेडी। उसके बाद हम एक टॉवल लेंगे और एक शैम्पू लेंगे। शैम्पू मैं साशिम यूज़ करता हूँ क्योंकि बोतल की नस्बत इसमें ज़्यादा होता है। नहाने के बाद बाल गीले होते हैं तो मैंने ड्राई ऑन किया और बाल सुखाने लग गया। अब बाल ड्राई होने के बाद इसको स्ट्रेट करना है तो मैं खास किस्म का लिक्विड यूज़ करता हूँ। इसको लगाने के बाद बाल हो गए हमारे रेडी। अब परफ्यूम लगाने की बारी आती तो रमली का परफ्यूम है मेरे पास, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। तो इतने में हो जाते हैं हम रेडी। मैं बाहर आता हूँ, देखता हूँ मौसम ख़राब हो रहा है, लेकिन मुझे साथ वाली आंटी को लेकर जाना था बाजार, फिर उनकी बाइक लेता हूँ मैं। रोड टूटा हुआ है, डस्ट ज़्यादा है, इस वजह से मैं मास्क पहन लेता हूँ। अब बाजार जाते मुझे याद आता है पेट्रोल डलवाना है, तो सीधा पेट्रोल पंप पर जाता हूँ, पूरे 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता हूँ। अब सीधा मैं जाता हूँ मिज़ान बैंक के ATM में जाता हूँ, जाके ठंडी हवा लेता हूँ और पैसे निकलवाता हूँ। फिर एक कपड़ों की दुकान में जाके अपने लिए ईद का सूट ले लेता हूँ। फिर घर वालों ने सब्जी का बोला था, इतनी सारी सब्जियाँ देखे मेरा दिमाग चकरा गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो 1 किलो कद्दू करवा लिए मैंने। सब्जी और सूट लेकर घर आ गया मैं, बहुत भूख लगी थी, सलाद काटा और बकरी की तरह खाने लग गया मैं। बहुत दिन हो गए तो मैंने ये बाइक चलाई नहीं, तो मैंने सोचा आज इसको रनिंग के लिए ले जाऊँ। तो मैंने जब इसमें चाबी डाली तो पहली चाबी तो लगी नहीं, तो फिर मैंने सोचा यार दूसरी चाबी होगी, तो फिर मैंने ऐसा किया मैंने दूसरी चाबी डाली तो वो भी नहीं लगी। तो फिर मैंने क्या किया, पहली चाबी दोबारा लगाई और वो लग गई। ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई। खैर बाइक को भगाते हुए पहुंच गया पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे मेरा दोस्त अहमद काम कर रहा है। उसे पता ही नहीं मैं उसे मिलने आया हूँ। खैर सलाम दुआ करने के बाद पेट्रोल पंप की साइड पे एक जगह बनी, वहाँ पे जाके मैंने अपनी बाइक को पार्क किया। साथ ही इन्होंने एक छोटा सा गार्डन एरिया बनाया है बैठने के लिए, और ये यहाँ का माली और हेल्पर कैमरा देखा नहीं और बन जाते सलमान खान। और यहाँ पर हम दोनों ऐसे बात करें जैसे पूरा पेट्रोल पंप खरीद लेना है। हालांकि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई थी, असल में हम लोग ये बात कर रहे थे वगैरह से पूरा है। थोड़ी देर बाद छीदा और मीदा दोनों पेट्रोल डलवाने हैं। पेट्रोल डलवाने के बाद मीदे से बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मीदे ने बोला चलो मैं थोड़ा आगे जाके बाइक स्टार्ट करता हूँ। छीदा बोलने लगा ले आज दीदी तेरी जो ट्रेड को बाइक स्टार्ट नहीं होती। जब मीदे ने बाइक स्टार्ट कर ली तो छीदा बैठ गया, छीदे के बैठती होगी बाइक बंद, और फिर से मीदा बोलने लगा तेरी वजह तो हो रही है गंजे आज अटपा, पता नहीं मैं कितों लेंदा नाल इनू कलाने जेनू। 2000 years later मीदा तेनू क्या सी ना मूली वाले परांठे ना खाई जोर ना किक मार, तू बड़ा हॉट इंडल सी है पेट्रोल ना पीवी जामुन चेक करन दे। थोड़ी देर बाद हमें लगी भूख तो हमने बच्चों से समोसे मंगवा लिए, साथ में थी हमारे पास रोटी और सालन, तो हम दफ्तर में जाके रोटी और सालन खाने लग गए। हम दोनों को बहुत ही भूख लगी हुई थी और खाना बहुत ही टेस्टी था। खाना खाने के बाद जब हम बाहर आए तो मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था, तो फिर अहमद भाई अपनी ड्यूटी पर चले गए। तो यहीं से होता है हमारा व्लॉग का एंड, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।